कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया भयभीत है। इसके संक्रमण से अकेले चीन में 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक 7 साल की बच्ची ने इस जानलेवा संक्रमण को मात देने में सफलता पाई है। चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 7 माह के बच्चे को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मीडिया ने इस बात की जानकारी दी। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगविंग नगर पालिका में कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चे का यहाँ के अस्पताल में इलाज चल रहा था। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद बुधवार को उसे छुट्टी दे दी गई। चोंगविंग में सबसे कम उम्र के मरीज का ये पहला मामला था। बच्चे में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि 3 फरवरी को हुई थी। अस्पताल ने बच्चे के उपचार के लिए विशेष चिकित्सक टीम का गठन किया था। इलाज में सब कुछ ठीक रहा और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद बुधवार सुबह बच्चे को छुट्टी दे दी गई। चीन में घातक कोरोना वायरस के कारण 114 और लोगों की मौत होने के साथ ही मृतक संख्या बढ़कर 2118 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 74,576 हो गई है। चीनी प्राधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना दर्ज होने वाले मामलों में गिरावट आई है और इसके 394 मामले सामने आए। इस संक्रमण का पहला मामला दिसंबर में दर्ज किया गया था, तब से यह आंकड़ा सबसे कम है।